परिसरात जमिनीखालची पाईपलाईन फुटून माती वाहून जाणे आणि सोबतच जमिनीला 10 ते 15 फुटांचा गड्डा पडणे म्हणजे साधी गोष्ट झालेली नाही. काल सायंकाळी आणखीन एक 15 फूट खोल गड्डा या परिसरात पडला. प्रशासन मात्र याबाबत कुंभकर्णी झोपेत दिसते. सुभाषनगर हा परिसर भंडारा रोड ते कळमना मार्केट या परिसराला चोर रस्त्याने माल नेण्याचे उत्तम साधन झालेलं आहे. या परिसरात आता अतिवेगाने मोठमोठे वाहन जातात, त्यामुळे रस्त्याची स्थिती दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. या रस्त्यांखालील चेंबर्स व पाईपलाईन ओघाने फुटते आणि त्या जागेवरील माती वाहत जाऊन त्या ठिकाणी मोठमोठे गड्डे पडणे सुरू होत आहे. याची आता परिसरातील लोकांनाही सवय झाली आहे, पण ट्रॅफिक विभाग आणि प्रशासन मात्र या अवैध वाहतुकीला आणि रेती ट्रकांना या मार्गावरून जाण्यासाठी थांबवू शकत नाही ही शोकांतिका आहे. मेरा नाम सचिन अग्रवाल आहे. हमारा रेसिडेंस यही है. तो एक्चुअली कल शाम को 4-5 बजे आवाज़ आई अचानक से और ये गड्ढा हो गया. देखा तो ये पूरा ज़मीन अंदर चला गया था. इसकी वजह क्या वजह मानते हैं? आपके नज़रों के सामने यहाँ पर कई वाहन भी गुजरते हैं और जहाँ तक रोड का काम ट्रैफिक तो दिन भर रहता है बहुत ज़्यादा. कलमना की भी गाड़ियाँ आती है और काफ़ी ट्रक्स भी जाते आते रहते हैं. और क्या अभी इंटरनल रोड है तो ये सब होना नहीं चाहिए. खैर इधर तो ज़्यादा वेट आने से भी हो गया होगा. बट एक्चुअल में क्या है, कल वाटर ज़्यादा हुआ है, पानी रेनी 2 दिन से बहुत ज़्यादा हुआ है, तो रोड्स का पानी और इस रोड्स का पानी पूरा इधर छोड़ दिया गया पंपिंग करके, तो उस वजह से ये नीचे हो गई है. अच्छा, ये नगर सेवक ट्रैफिक विभाग पुलिस में सब जगह बताया गया है, लेकिन कोई एक्शन उन्होंने लिया नहीं. अब क्या है, दिन भर बच्चे भी हमारे इधर खेलते हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती है. अब ये आप देख रहे हैं, अब ये कल हुआ ये गड्ढा, अब ये पूरी रोड पर कहाँ ये कैसे गिरेगा हमें तो आइडिया नहीं है ना इस चीज़ का. तो अभी भी आप देख सकते हैं पीछे से पूरा ट्रैफिक आ रहा है.